वेलकम टू सी आई एम डिज़ाइन। सी आई एम डिज़ाइन में हम अभी आर्किटेक्चर एंड सिविल का न्यू वीडियोज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपका आर्किटेक्चर के हाउस प्लान्स, एलिवेशंस, ये सब से ड्राइंग हम उनकी वीडियोज आपके लिए डालेंगे, जिससे सिविल एंड आर्किटेक्चर के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड जो आपके सिविल है उसमें कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं जो ऑलरेडी हमारे पास होती है, जिसके थ्रू हम ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। बट हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता हो, तो यू कैन गूगल, और कुछ चीज़ें जो मुझे ड्राइंग में यूज होंगी वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। ऑटो कैड अभी में जो मैं वर्जन यूज कर रही हूँ 2018 है। एंड सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर हाउस ड्राइंग की बात करें तो मैं इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग अभी आपको हाउस प्लान ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जो आपको इजी लगेगा। सबसे पहले अगर आप कोई भी ऑटो कैड में ड्राइंग स्टार्ट करते हो, तो बेसिकली अगर आपका लेयर्स वगैरह अगर क्लियर है तो सबसे पहले आप लेयर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि मैंने, आप देख रहे हो कि लेयर्स में मैंने वॉल, कॉलम्स एंड फर्नीचर्स का अलग अलग लेयर्स बनाया है, जो कि बेसिक है एंड इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट सबसे पहले हम यूनिट कंसीडर करेंगे। यूनिट मीन्स कि आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपकी ड्राइंग मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर किस में आपकी दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिट सेट करोगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपको ये जो ड्राइंग है वो फीट एंड इंचज में है, दैट्स वाई कि हम यहाँ से आर्किटेक्चर रखेंगे, दैट इज 0 feet 0 inch एंड फ्रॉम हेयर दैट इज इंचज। ओके, नाउ लेयर्स को मैं कंसिडर करती हूँ, सब मैं वॉल्स को ही अभी कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज अभी मुझे वॉल बनाना है। नाउ ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि वॉल की थिकनेस जो होती है स्टैंडर्ड, वो 6 inches, 9 inches, 10 inches और 4.5 inches हम कंसिडर करते हैं। बट एट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग दैट इज टोटल गिवन इज 20 feet एंड वी हैव टेकन दैट इज 3 walls, देन वी कैन डिवाइड दैट इज आपका 4 inches की वॉल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो वॉल जो आपका 4 inches के लिए कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से, और आइदर आप लाइन के थ्रू भी यूज कर सकते हो। फर्स्टली वी स्टार्ट विथ रेक्टेंगल, वी हैव गिवन दैट इज कॉल्ड 12 feet into 11 feet। तो आई हैव गिवन 12 feet दैट इज इन एक्स कॉमा एंड दैट इज वाई दैट इज 11 feet। ओके, नाउ इसमें मैं जो यूज कर रही हूँ वो कमांड आपका एक्सप्लोड है, बिकॉज ये आपका एज अ पॉली लाइन है। पॉली लाइन को डिस्क्रीट करने के लिए आप एक्सप्लोड कमांड यूज करते हो, शॉर्टकट की होती है एक्स। आफ्टर दैट मैं यहाँ जो हाउस प्लान यूज करूंगी वो मोस्टली ऑफसेट कमांड से यूज करती हूँ, बिकॉज मुझे वो ईजी लगता है। हो सकता है कि आपको लाइन्स के थ्रू ईजी लगे, तो जैसा भी आपको बेनिफिट हो, जिससे आपको ईजी लगता है उसके थ्रू आप बना सकते हो। सबसे पहले मैं कमांड लूंगी ऑफसेट, शॉर्टकट की होती है ओ, एंटर। Now, जब आप ऑफसेट लेते हो तो आपके कमांड बार होती है, कमांड लाइन, जिसमें आपका हिस्ट्री, आपकी पूरी चीजें शो होती है। आप उसका कंट्रोल लाइन शॉर्टकट की होती है, और यहाँ से आप थ्रू ले सकते हो, थ्रू और प्रेस बी एंटर। नाउ मुझे पता है कि मुझे 4 inches का आपका वॉल है। आफ्टर दैट वी हैव गिवन द किचन एरिया 7 feet एंड अगेन 4 inches, दैट इज 4 inches। अगेन फ्रॉम हेयर ड्राइंग एरिया आपको दिया हुआ है, सो दैट इज 15 feet एंड अगेन दैट इज 4 inches। ओके, नाउ 4 inches अप टू दिस वरेंडा, आफ्टर फर्स्ट सीइंग द फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग ये जो मेरा वरेंदा है, इसकी कैलकुलेशन 3 feet निकल रही है, जो हम 3 feet की ड्रॉ करेंगे। तो अगेन टेक ऑफसेट एंड फ्रॉम हेयर 2-3 feet and from here total is 9 feet as in row, and that is 9 feet inside 4 inches। okay, now ये मेरी आपका area है। this time अभी हम इसको corners, अब मुझे join करना है, corners को एक एक करके हम join करेंगे, बहुत ज़्यादा time लगेगा, that's why हम command use करते हैं fillet। fillet के लिए आप जो command लोगे वो है shortcut की F, enter। नाउ फिलेट आपका राउंड भी बनाता है, आपका कॉर्नर्स को राउंड बनाता है, बट यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, डेट्स वाई आई विल टेक रेडियस, आर फोर रेडियस
वी हैव टेकन जीरो एंड मुझे बहुत सारे आपके कॉर्नर्स को मीट करना है, दैट्स वाई वी टेकन मल्टीपल। मल्टीपल लेते ही आप जो भी कॉर्नर्स है आप उनको पिक कर सकते हो, जो जस्ट आप इसको मीट करा सकते हो। Again, so this is the area. Okay, we got the area. Now extra जो lines है, because अगर हम offset करेंगे, like जैसे मुझे bathroom के लिए आपको offset करना है, तो इसके लिए अगर मैं offset करूँगी तो वो पूरी line आएगी, जो फिर मुझे बाद में trim करना होगा। So, पहले आप ड्राइंग को क्लियर कर लो। फॉर ट्रिम कमांड टी आर डबल एंटर एंड नाउ वी कैन ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस सो दैट कि मुझे आगे चल के कोई भी लाइंस डबल डबल ना आए या फिर मुझे बार बार डिलीट ना करना पड़े। ओके नाउ टेक कमांड ऑफसेट अगेन, जस्ट कम दैट इज गिवन 6 feet 4 inches and again that is taken 4 inches. From here we can take 4 feet 4 inches and again 4 inches for all thickness. Now extra we take trim command and extra remove the extra lines. That is completed. Yeah, now according to calculations from stairs area वे आप टेकन लैंडिंग एरिया जो है आपकी वो आपकी 3 feet में कंसिडर करती हूँ और एज का अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ये आपका जो राइजिंग है वो हम 10 inch कंसिडर करते हैं। तो ये आपका 10 inch हुआ जो फुट का है, ये यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लेते हैं जो कि हमारा ये 3 feet होता है स्टेयर्स की जो विड्थ होती है। तो मुझे पता है कि आपको ये लाइन तो कॉमन है, तो डेट्स वाई पहले मैंने फिलेट यूज किया एंड मैंने जो इनसाइड और इनसाइड है इसको मैंने मेट किया। नाउ मुझे पता है कि ये मुझे 3 feet इस साइड आना है और फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज ऑलरेडी 14 feet बिकॉज ये दिस इज हैव 15 feet एंड 15 feet में ये आपका जो एरिया है मैंने कॉलम को आपको 6 inches इंटू 1 feet में कंसिडर कर रही हूँ, तो डेट इज फ्रॉम 1 feet माइनस करेंगे तो 15 में से आपका 1 feet गया तो आपका ये 14 feet। तो ऑफसेट अगेन मैंने यूज किया एंड मैंने 14 feet का एक आपका ये ड्रॉ किया। 15 feet that is from inside to inside, that means कि ये आपका then take this 4 inches and from here take 3 feet that is for the stair. Okay, now extra trim. Okay, now अब मुझे यहाँ पे जो ड्रॉ करना है ये मुझे ऑफसेट करना है 3 feet का, बिकॉज लैंडिंग मैंने आपको बताया कि मैं अभी यहाँ पे 3 feet कंसीडर कर रही हूँ। फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर दैट इज ऑलरेडी वॉल एंड वी हैव टेकन 3 feet। ओके नाउ इसमें आपका वॉल कंसीडर हो रहा है तो जस्ट टेक इट 4 inches। नाउ अब मुझे जो स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें जो आपका स्टेयर्स की जो विड्थ है ये आपका मैं जो ले रही हूँ ये आपका 10 inches ले रही हूँ। तो जो स्टेप है स्टेप को मैंने 10 inches अगर कंसीडर कर रही हूँ तो मैंने ये आपका 10 inches कंसीडर किया एंड देन 10 inches गो थ्रू विथ ऑफसेट एंड एरे कमांड भी होता है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये चीजें क्लियर करूंगी। ओके वी गॉट द आउटर ऑफ स्टेयर्स एंड ऑल इन लैंडिंग दैट इज मार्किंग विथ हाफ ऑफ दैट इज फॉर मूवमेंट, दैट मीन्स कि इसमें सिंगल स्टेयर गया है, दैट्स वाई कि हमारा जो स्टेयर हो ऐसे मूव के लिए जा रहा है। Now, ये जो आपका पोर्च एरिया है ये आपको 7 feet क्लियरली मेंशन है, दैट्स व्हाई गो थ्रू विथ ऑफसेट
एंड टेक 7 feet, ये आपका 7 feet आ गया एंड दैट इज 4 inches 4 fall. Already I have taken fillet for multiple and for multiple. We can take extend command, extend, enter and go through. ये आपका join हो गया, जो आपका area हो गया. Now एक स्टेप आपको यहाँ पे भी देना है, that's why offset and take 10 inches for offset and then take 10 inches from here to here. Connect this and again trim extra. Okay, now क्लियर है आपको ये चीजें मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है. एरिया ये मेरा पूरा एरिया कंप्लीट हो गया है. अब मुझे पोज का एरिया ऑलरेडी गिवन है 10 feet, तो 10 feet अभी हम मेंशन करेंगे. तो 3 feet ये मेरा पूरा एरिया जो 10 feet का है, तो हम यहाँ से ऑफसेट करेंगे 10 feet का. और ये मैंने यहाँ पे आपको ये दिया, ये जो आपका एरिया 10 feet है वो आपको लैंडिंग के साथ में कंसीडर किया हुआ है, जो आपका फ्रंट ऑफ फ्लोर में, क्योंकि नीचे से तो आपका ओपन है, तो डेट्स वाई यहाँ से यहाँ मेरा 10 feet है. अब ये मेरा 10 feet हो गया और यहाँ पे मुझे इसे कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए मैं डायरेक्टली लाइन कमांड यूज करूँगी, जो आपका ये डायरेक्टली मैच करेगा. एंड फॉर दिस यू हैव टू डायरेक्टली यूज फिलेट. ये आपका ज्वाइन हो गया. दिस लाइन अकॉर्डिंग टू ड्रॉइंग आप 4 inches और कंसीडर कर सकते हो, जो आपका 4 inches के बाद ये आपको मीट होगा. ओके, सो गाइज ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो गई है. अब हम इसमें फर्नीचर्स एंड ग्रेडियंट्स वगैरह ये चीज़ें हम फिल करेंगे, डोर्स लगाएंगे, ये सब चीज़ें अब हम इसमें यूज करेंगे. नाउ स्टार्ट विथ द कॉलम. कॉलम जो मैंने आपको बताया है कि ये 6 inches into 1 feet में कंसीडर करूँगी, तो सबसे पहले मैंने लेयर चेंज किया फॉर कॉलम एंड वी हैव ड्रॉन फॉर कॉलम टेकन 7 inch, 1 feet. Okay. फॉर क्लैरिफिकेशन, लाइक आपको जो क्लियर देखना है या फिर आपको कलर में चेंजेस चाहिए, तो वी कैन यूज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट फॉर कलर मिक्सिंग GD शॉर्टकट की होती है, जो आप डायरेक्टली डाल सकते हो. वी हैव टेकन रेड कलर बिकॉज इन ड्राइंग दैट इज रेड कलर, देन वी कैन डायरेक्टली मिक्स अप. ओके, नाउ इफ वी कॉपी दिस, then in copy we have to select again column and gradient also. Then you can use grouping or you can use block. Block is for like count karne mein aapko easy hoga, that's why we use W block to make this as a block, so that आप अगर count भी करना चाहो तो आपका easily count होगा and ये चीजें आपको easily. मैंने ब्लॉक का नेम चेंज कर दिया एज अ वन और कॉलम मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया, सो डैट आपको रिमाइंड रहे कि ये एज अ कॉलम आपका कंसीडर हो रहा है. ओके, दिस सेलेक्ट दिस, देन देखो आप ये आपका एज अ ब्लॉक हो गया. अब एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगर आप इसे मूव करते हो, सेलेक्ट कमांड M फॉर मूव, ये आपका जो एंड पॉइंट है ये आपके इस एंड पॉइंट पे मैच करेगा. ओके, नाउ अब ये जो चीजें आपकी हैं, ये जो ऑफसेट है ये आपका आउटसाइड होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू ड्रॉइंग. क्लियर? ओके, नाउ ये जो कॉलम है आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, एज अ मैंने ब्लॉक किया हुआ है कॉपी, ये आप डायरेक्टली
परपेंडिकुलर सी, परपेंडिकुलर साइन आपको शो हो रहा है, आपने कॉपी किया है। ये यहाँ से जो कॉपी होगा, अगेन ये चीज़ें आपकी 10 फीट के अकॉर्डिंग आपका है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड होता है, बिकॉज आपका इसमें गैपिंग है, तो इसके ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका इसमें 10 फीट के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉपी किया हुआ है। ओके, सेम अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो सेम चीज़ें हैं, आपका ऊपर भी आपका ये कॉपी है, बट फॉर दिस वर्ड अभी हम पहले इसको कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग भी ये आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये दिया हुआ है। Now again copy this, take perpendicular and from here again that is 10 feet. Okay, we have drawn the column. फॉर ब्लॉक लाइक मैंने ब्लॉक क्यों किया ये चीज़ें आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे मैंने अगर इसे ब्लॉक किया है तो अगर मुझे काउंट करना है कि इस फ्लोर में मैंने टोटल कितने कॉलम दिए हैं तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। लाइक सेलेक्ट दिस, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर एंड राइट क्लिक अगेन, सेलेक्ट क्विक प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा कि आपका टोटल नंबर ऑफ 7 है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो आपको एक एक करके काउंट करना होता। ओके, नाउ अब हम इसमें फर्नीचर्स यूज करेंगे। फर्नीचर यूज करने के लिए आपके इसमें पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक 140C एंड 1 for TP। TP फॉर डोर्स के लिए भी होता है एंड DC फॉर आपका फर्नीचर्स वगैरह यूज करने के लिए होता है। तो आप सबसे पहले अगर मैं TP यूज करती हूँ तो टूल पैलेट, इसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम आर्किटेक्चर से यूज करें। आप कुछ ब्लॉक ऑलरेडी आप अलग से बनाकर भी आप उसमें क्रिएट कर सकते हो लाइब्रेरी में, जो ऑटोकैड की लाइब्रेरी में आप रख सकते हो। अदरवाइज हमारे पास बाय डिफॉल्ट के कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक ब्लॉक। एंड DC से जो आप लाते हो वो होता है आपका ब्लॉक। नाउ आप मुझे ये चीज़ें आपको जो यूज करना है, सबसे पहले हम डोर कंसीडर करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डोर आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, तो स्टैंडर्ड में डोर जो आपका होता है कि वो 3 फीट होता है, 3 फीट 4 इंचेज होता है, 2 फीट 6 इंचेज होता है। तो अगर मैं रूम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो रूम में मैं अगर 3 फीट का कंसिडर करती हूँ, आप इसमें डोर को 90 डिग्री पे भी ओपन करके दिखा सकते हो, 60 डिग्री पे भी, जैसे आपको ईजी लग रहा है। एज कम्पेयर इसके, इसमें आपका क्लोज डोर दिखाया है, बस आपका ओपन किया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लोज शो करूं तो क्लोज शो करने के लिए अब मैंने इसके जो ली है वो मैंने 3 फीट लिया है, तो 3 फीट को मैं अगर मूव करूं तो ये अगर डायरेक्टली कॉलम के अकॉर्डिंग ही आपका स्ट्रेट अप हो जाएगा। आफ्टर दैट हम बीच की ट्रिम कर सकते हैं। सेम चीज अगर मुझे करनी है मैं मिरर कर सकती हूँ, MI शॉर्टकट की होती है और ये चीज मैं डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं। बट मिरर के लिए मुझे मिड वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू आप जैसे आपका इस टोटल का एक मिड वैल्यू चाहिए होगा, तो मैंने ये सेलेक्ट किया एंड देन मिरर, ये मैंने आपका एग्जैक्टली ये चीज आपकी हो गई कि आपका डोर्स यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। ओके, नाउ सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी डोर मेंशन कर सकते हैं, टेक कॉपी एंड देन यू कैन डायरेक्टली कॉपी दिस। हेयर वी हैव टू मूव बिकॉज हमारा ये जो कॉलम है ये चीज आपको बीच में आ रही है, तो आप इसके एंड को एंड से कंसल्ट कर सकते हो। ये आपका, अगर आप मेन डोर की बात करो तो मेन डोर आपका जो होता है वो आप 3 फीट 4 इंचेज का भी रख सकते हो, तो ये चीज मैंने 3 फीट 4 इंचेज के लिए। तो 3 फीट 4 इंचेज में क्या होगा कि ये चीज़ आपको मिक्स करनी होगी, क्योंकि अगर मैं 3 फीट 4 इंचेज ले रहे हैं तो ये हमारा ओवरलैप हो रहा है, तो हम इसको मूव कर देंगे कॉलम के साथ एंड देन ट्रिम कमांड लेंगे। ट्रिम में
ये मेरा डोर्स का आपको डायरेक्टली शो हो गया। नाउ अब सेम चीज मैं बाथरूम की बात कर कर करे तो बाथरूम के लिए आप इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप इसको रोटेट करना है तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कमांड आर ओ रोटेट शॉर्टकट के एंड देन यू कैन रोटेट। बाथरूम में मैं 2 feet 8 inch का काफ़ी होगा तो डेट्स वाई हम 2 feet 6 inch का भी हम ले सकते हैं एंड देन हम इसे मूव किए। मूव करने के बाद हम इसको डायरेक्टली एंड पे रख दिया। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा जो है हम ये इसका ट्रिम कमांड से लेंगे और ये हमने ट्रिम कर दिया। ये मेरा बाथरूम का भी डोर हो गया तो मेरे स्टेयर्स कॉलम्स एंड डोर्स ये सारी चीज़ें मेरी इसमें लग गई है। नाउ हम फर्नीचर एंड जो भी हमारे सिंक है ये चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ट्रीज वगैरह का बिकॉज मुझे लॉन एरिया वरंदा एरिया ये सब चीज़ें हैं। बट अगर आपको क्लियर नहीं हो तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो टेक्स्ट फॉर कि आपको एनोटेशन के लिए कि आपने क्या चीज़ें बनाई हैं और टेक अ टेक्स्ट डायरेक्टली। Now you can specify as like bedroom, kitchen. You can specify also sizes also. But अभी जो है मैं सिर्फ आपको area mention कर रही हूँ। That means कि क्या आपकी चीज़ें हैं ये चीज़ें मैं आपको बस दिखा रही हूँ। आप dimensions को भी बाद में include कर सकते हो। ना अब ये चीज़ें आपको तो इकट्ठे आएंगी जो चीज़ें आपको अलग अलग चाहिए तो यू कैन एक्सप्लोर दिस एंड आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो। जो आपका इजी मेथड है बिल्कुल जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो मेक ऑर्थो ऑफ एंड देन डायरेक्टली यू कैन मूव ऑल द थिंग्स। हम वॉश एरिया बनाना भूल गए थे तो ऑफसेट में जाएंगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली आपको 4 feet दिया हुआ है तो अब 4 feet एंड फॉर दिस 4 inches एंड यू कैन मेक अ फिलेट एंड फॉर मल्टीपल। ओके नाउ इट्स ओके। अब इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम जो आपका काउंट कर रहे हैं ये मेरा एरिया हो गया। अब मुझे इसमें सारी चीज़ें लगानी है लाइक किचन है स्लैब्स है बेडरूम है ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम ट्रीज का अगर लेते हैं तो ये मेरे पास ऑप्शन है मैं यहाँ से ट्रीज ले सकते हैं। ट्रीज को लेने के लिए आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आता है कि आपको एलिवेशन शो करना है आपको श्रब शो करना है आपको एवरग्रीन प्लान यूज करना है तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है आप जो चीज़ें यूज कर सकते हो। ओके नाउ सबसे पहले अगर हम इसमें यूज करें तो मेरे पास ऑप्शंस है इधर आप चाहो तो उसमें कलर जो है वो ग्रीन कर सकते हो और मैं एक नया लेयर बना सकती हूँ जिसमें मैं कलर इसका ग्रीन कर सकते हैं। लाइक इसमें ट्रीज के नेम से मैंने किया और इसको मैंने कलर दे दिया आपका ग्रीन के लिए एंड मैं उसी लेयर में आपका काम करूँगी क्योंकि मुझे उसी लेयर में आपको ये ट्रीज वगैरह लेने हैं तो सेलेक्ट किया। अब मुझे साइज को कम करना है तो वी कैन गो थ्रू विद स्केल स्केल टेक अ बेस पॉइंट दैट इज फिक्स्ड एंड नाउ आपका क्या है कि जो भी हम बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्केलिंग 1 में आती है। जैसे 1.2 आप लोगे तो साइज इंक्रीज होगा 0.2 दोगे तो आपका साइज डिक्रीज होगा। बट अगर मुझे मैन्युअली करना है कि अपने अकॉर्डिंग मैं साइज कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो टेक रेफरेंस आर फॉर रेफरेंस टेक अ लेंथ जिसके थ्रू आपको इसको काम करना है एंड देन यू कैन ड्रॉ सी दिस वन एंड नाउ यू कैन कॉपी जैसे जैसे आपको चाहिए। फ्री हैंड से भी कर सकते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो भी कर सकते हो। नाउ मान लो इसमें मुझे एक को चेंज करना है तो मैंने इसको चेंज कर दिया। ओके चेंज करना है मैंने इसको चेंज कर दिया
and you can scale. Clear. ये आपका एरिया हो गया जिसके अकॉर्डिंग हम ये दे सकते हैं. नाउ अब मुझे ड्राइंग एरिया वगैरह यूज करना है, तो मैंने फर्नीचर स्क्वायर को आपको इसमें कंटिन्यू किया, जिसमें आपके पास बाथरूम के लिए, अगर आपको वॉश मशीन के लिए आपको इसको यूज करना है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास. यहाँ से आप इसका प्लान व्यू ले सकते हो एंड जस्ट रोटेट इट जिसमें आपको, जिस तरफ आपको चाहिए. Through with the scale reference R and you can decrease the scale. Okay, now that is shaft area. Shaft area को हम 2x2 का आप कर सकते हो और 2x यहाँ पे 3 का हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये जो मुझे दिया हुआ एरिया, तो मैंने इसको 2x या तो आप रेक्टेंगल के थ्रू बना सकते हो, टेक ए रेक्टेंगल एंड मैंने यहाँ पे दे दिया 1.5 feet कॉमा 2 feet. ये आपका ऊपर गया है, रीजन बिकॉज मैंने माइनस में वैल्यू नहीं दिया है, तो ये मैंने वैल्यू दिया. एंड ये मेरा शाफ्ट का एक है, लाइन टाइप वगैरह ये चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें मैं लाइन टाइप्स को कैसे चेंज करते हैं ये चीजें हम उसमें यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास ये एक है कि आप डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हो, जिसमें आप सिंक वगैरह सब कुछ अपने लगाना है. तो अब दूसरा जो मेरे पास टीपी से, मेरे पास इतना ही है, तो हम डीसी से अब यूज कर सकते हैं. डीसी लिया मैंने, गो टू ENUS डिजाइन सेंटर एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गो होम, हाउस, किचन एंड लैंडस्केप. तो फ्रॉम होम यू कैन टेक अ बेड, चेयर और डाइनिंग टेबल, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो. अदरवाइज खुद का ब्लॉक बनाकर आप उन चीज़ों को भी यूज कर सकते हो. तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेना है, क्या आपको देना है, ये चीज़ें टोटली आपके ऊपर है. आप चाहे 2 seat ये सब चीज़ें हैं जो आप यूज कर सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू. टेबल स्क्वायर्स में आप यूज कर सकते हो. ओके, नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव. And if you have to rotate, then take RO, rotate. And for this, make ortho mode on and go to it. Same for this, rotate this and move that. Location where you need it. Same for this. You have to scale this because ये मैं अभी आपका corner में रखने वाली हूँ, तो corner के लिए ये आपको scale करना पड़ेगा because size मुझे कम चाहिए इसका. तो ये मैंने दिया और move किया. Now here you can scale because यहाँ आपको exactly पता है कि आपको कितने का स्टैंडर्ड फर्नीचर्स के साइजेस भी होते हैं. वो चीज़ें आपको स्टैंडर्ड डिटेल में अगर आपको जानना है, तो इसका एक अलग वीडियो आप उसमें देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फर्नीचर्स के साइजेस क्या क्या होते हैं. Now अब आप इसको लाइक सेम फॉर बेड यू कैन रोटेट दिस. इसमें भी आपका किंग साइज आता है, क्वीन साइज आता है, ये चीज़ें और डिफरेंट टाइप ऑफ बेड स्टाइल, ये सब चीज़ें हमारे पास ब्लॉक बनाकर हम यूज कर सकते हैं. और यू कैन गो थ्रू विथ नेट, नेट के थ्रू भी आप बहुत सारे ब्लॉक्स आपके वहाँ अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो. से That is आपका, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया. अब ना अभी इसमें क्या है कि मुझे ग्रेडियंट वगैरह फिल करना है, बिकॉज मुझे ये जो चीज़ें हैं और अट्रैक्टिव दिखाना है. तो आपको ग्रेडियंट के लिए यूज होता है GD, GD for gradient.
आप उसमें जो भी आपको कलर लेना है, लाइक इसके अकॉर्डिंग मुझे ब्राउन कलर लेना है तो लाइक ब्राउन कलर या कुछ वैसा कलर हम ले सकते हैं जो थोड़ा डार्क हो, बिकॉज मैंने अभी जो लिया है वो लाइट कलर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कलर आपका जचेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इस ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि आपको आँखों पर लगे ना। ओके, सो ये आपका फ्लोर है जिसमें आपको सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। लेयर्स में यूज करने का बेनिफिट क्या है कि अगर मैं आपको चाहूँ, अगर मुझे आपको कॉलम नहीं दिखाना तो मैं कॉलम को हाइड कर सकती हूँ, अगेन मैं शो कर सकती हूँ। ओके, आपको टोटल डायमेंशन दिखाना है तो आप टोटल डायमेंशन ये यहाँ पर आप शो कर सकते हो। जो चीज़ अभी आपकी फीट और इंचेज में नहीं है तो मैं यहाँ से अभी उसको चेंजेस करूँगी, सेम फॉर फीट और इंचेज में आपको शो होगा। ओके, वॉल की थिकनेस मैंने एक्स्ट्रा ली है जो ये आपका 4 इंचेज है, ये आपको इनसाइड में जाना था। ओके, नाउ मुझे फिर डायमेंशन इसके भी शो करने हैं, तो जो चीज़ आप यहाँ से यहाँ का आप शो कर सकते हो, सेम मैंने आपका अबव से लिया है और इसमें आपका क्लियर। एंड फॉर दिस यू कैन टेक ओके। नाउ फॉर किचन स्लैब यू हैव टू ड्रॉ डायरेक्टली, और यू कैन डू ऑफसेट और यू कैन डू डायरेक्टली फॉर विथ रेक्टेंगल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देन यू कैन यूज ऑफसेट, सपोज वी हैव गिवन 2 फीट, फॉर 2 फीट दैट इज गिवन एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो 2 फीट फ्रॉम दिस साइड। You can extra trim this extra elements. We can trim after gradient somewhat like आपका क्या है कि gradient भी आपका हाइड हो सकता है और सॉरी ट्रिम हो सकता है। That's why बेटर है कि आप पहले ही ये आप स्लैब वगैरह डिज़ाइन कर लो, आफ्टर डैट आप ग्रेडियंट को फिल करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। बट मैंने ऑलरेडी ग्रेडियंट फिल कर चुकी हूँ, डेट्स वाई अब मैं इसमें भी आपका ग्रेडियंट फिल करती हूँ जो कि आपका डार्क होगा ताकि आपको वो चीज़ें ओके। नाउ अगर आपको चेंज करना है, लाइक आपको ये चाहिए कि नहीं इसका कलर अभी और थोड़ा दूसरा होना चाहिए, तो आप यू कैन सेलेक्ट और आप कलर को कभी भी चेंज कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आप जितना डार्क करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो, यू कैन। एंड फॉर दिस वी कैन यूज डिफरेंट कलर चॉइस एंड यू कैन यूज 2 कलर्स ऑल्सो, जिसमें आप 2 कलर यूज करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी चीजें आ जाएंगी। कलर चेंजेस में आप यूज कर सकते हो जो भी आपको कलर अच्छा लगे या जो चीज़ें आपको डिफरेंट लगे, आप इसमें भी 2 कलर का मिक्सिंग कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ा सा ड्राइंग में आपको लाइटनेस भी ज़्यादा दिखेगी और ये चीज़ें आप अलग से देख सकते हो। ओके, तो ये आपकी ड्राइंग है जो आप इजिली ड्राइंग को आधे घंटे में बना सकते हो और जल्दी खत्म कर सकते हो। थैंक यू गाइस। और वीडियो के लिए आपको जैसे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें चाहिए और आपको किसके बारे में डिटेल चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, और बेटर के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही आप अगर आपको और वीडियोस जिस टाइप का भी आपको चाहिए आप कमेंट में हमारे डाल सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।